हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल वाली पूरी चावल के आटे की। तो मैं यहाँ पे चना दाल ली हूँ और इसे पहले से ही पका ली हूँ, ये पके हुए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं और दाल को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें मेरा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसमें हाफ स्पून जीरा डाल देती हूँ और 5-10 कली लहसुन के क्रश किए हुए, हाफ स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून मिर्ची पाउडर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें हम अब चना डाल देंगे। दो से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे और इसमें पानी नहीं देना क्योंकि ये पके हुए चने हैं। बस 2 से 3 मिनट फ्राई करना है जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इसका ख़त्म हो जाए। 3 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए, तो एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो गया है। इसमें मैं थोड़े से धनिया पत्ती डाल देती हूँ, हरी धनिया। इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो। और मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे एक कंटेनर में निकाल लेती हूँ। चना को हमने निकाल लिया है और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो 2 कटोरी आटा लेना है हमें, तो 1 कटोरी आटा ले लिए हैं मैंने। यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है और मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी में डो तैयार करूँगी। गर्म पानी देने के बाद आटा सॉफ्ट हो जाता है और पूरी भी सॉफ्ट होता है, टेस्टी लगता है। डो हमारा तैयार हो गया है और इसे मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। और तब तक मैं दाल में कुछ मसाला ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें मैं तभी नमक डालना भूल गई थी, मैं अभी नमक डाल देती हूँ। 2 स्पून मैं नमक डाल दूँगी, हाफ स्पून चाट मसाला ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स कर लेते हैं। नमक मैं भूल गई थी डालना, इसलिए मैं अभी ऐड की हूँ। आप लोग पहले ही डाल दें इसे और इसे मिक्सी में पीस लूँगी। दाल को हमने पीस लिया है। दाल को हमने दरदरा नहीं पीसा है, ज़्यादा महीन मैं नहीं की हूँ इसे। आटे का लोई तैयार कर लेते हैं। इस तरीके का लोई तैयार करें, कटोरा शेप का, और इसमें दाल भर लेंगे। और इसे चारों साइड से कवर कर लेंगे। देखिए इस टाइप से, और इसे फिर गोल कर लेंगे और हाथ से इसे हल्का हल्का प्रेस करके बड़ा करते जाएंगे। देखिए इस टाइप का हमें बना लेना है। मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। स्टेप का लोई तैयार कर लें, कटोरे शेप का, और इसमें दाल भर लें। चारों साइड से इसे कवर कर लें। और इसे गोल कर लेना है। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं हल्का। देखिए इस टाइप का
हमारा सारा पूरी कंप्लीट हो गया है, बन चुका है। अब मैं इसे छानने की प्रोसेस में चलती हूँ। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है और तेल को चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म है हुआ है या नहीं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं पूरी डाल लेती हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। पूरी हमारा पक चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। पूरी हमने सारे तल के निकाल लिए हैं और ये पूरी बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।